नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं उभरता गुजरात न्यूज़ में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अंधविश्वास के अंधेरे में फंसे हुए हैं। तंत्र मंत्र, काला जादू और मानव बलि जैसी चीज़ें आज भी होती है। अब दिल्ली में ऐसा ही हुआ है। दिल्ली के रोहिणी में रिठाला इलाके में यह घटना बनी है, जहां पर किराए पर रहने वाली एक महिला ने संतान प्राप्ति के लिए अपने ही पड़ोसी के 3.5 साल के मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी। दरअसल रिठाला में एक बिल्डिंग में रहने वाली महिला, जिसका नाम पूजा है, जिसकी कोई संतान नहीं थी, ऐसे में वो अंधविश्वास के चलते अक्सर एक तांत्रिक के पास जाती रहती थी। तांत्रिक ने उसे उपाय बताया कि एक बच्चे की बलि दे दो तो आपको संतान हो जाएगी। इसके बाद महिला काफी दिनों से बच्चे की बलि देने का मौका तलाश रही थी, जो उसे शनिवार सुबह मिल गया। उसने अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाले 3.5 साल के बच्चे की बलि दे दी। उधर बच्चा जब गायब हुआ तो घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच एक व्यक्ति की नजर घर के पीछे बोरी पर पड़ी। जब उसे खोला गया तो उसमें से बच्चे की लाश मिली। पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए रोहिणी के आम्बेडकर अस्पताल में भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों से पूछताछ की और आसपास के सीसीटीवी कैमरा को भी चेक किया गया। इसमें से पता चला कि बच्चा घर से बाहर गया ही नहीं है, और जांच करते हुए आखिरकार पुलिस बच्चे की कातिल महिला तक पहुंच गई। आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया कि उसकी शादी को कई साल हो चुके हैं और उसे आज तक कोई औलाद नहीं है। इसी वजह से संतान प्राप्ति के लिए वो एक तांत्रिक के पास जाती रहती थी और वहां वो काली विद्या और तंत्र मंत्र करने लगी थी, और उसके बताए अनुसार ही उसने मौका मिलते ही बीते शनिवार को बच्चे की बलि दे दी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से उसे पीछे फेंक दिया। इस घटना के बाद लोगों के बीच बहुत गुस्से का माहौल रहा। वहीं मासूम बच्चे की मौत के बाद से ही उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि वो तांत्रिक जल्द ही पकड़ा जाएगा। दोस्तों, ये वारदात काफी दुखद है कि एक अंधविश्वास के चलते एक औरत ने माँ बनने के लिए दूसरी माँ की औलाद को ही छीन लिया और एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। उभरता गुजरात की टीम की तरफ से मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े या ऐसे किसी भी अंधविश्वास से ना जुड़े जिससे किसी की जान या सेहत को नुकसान पहुँच सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उभरता गुजरात को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की लेटेस्ट खबर के लिए हमारे ऐप उभरता गुजरात न्यूज़ को डाउनलोड कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।